19 दिसंबर यानी कुछ ही दिनों बाद आईपीएल 2020 के लिए कोलकाता में नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसे हम आईपीएल ऑक्शंस भी कह सकते हैं, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए की बोलियां लगाएंगी। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। धोनी को लेकर हर रोज नई नई खबरें आती ही रहती है। आईपीएल 2020 के लिए महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होंगे। इस बात की घोषणा खुद चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने की थी। कुछ समय पहले एन श्रीनिवासन ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एवं पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने बताया कि चाहे कुछ भी हो, धोनी अगले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा नहीं कहेंगे, वो भारतीय टीम के लिए भी खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की कई बार झूठी खबरें भी आ चुकी हैं। विराट ने जब एक फोटो शेयर की थी तो ये कहा जाने लगा था कि धोनी संन्यास लेने वाले हैं। दरअसल उस फोटो में धोनी के सामने विराट कोहली अपना सिर झुकाए हुए थे। विराट कोहली ने कहा कि ये मेरे करियर का सबसे यादगार मैच रहा। वर्ल्ड कप 2019 के बाद से धोनी ने कोई भी मुकाबला नहीं खेला है। धोनी के फैंस के लिए खुशी की बात है कि धोनी आईपीएल 2020 में चेन्नई के कप्तान होंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप के बाद से एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला, उनकी वापसी की उम्मीदें भी लगाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धोनी आईपीएल से ही अपनी वापसी करेंगे, क्योंकि हर किसी की नजर धोनी के परफॉर्मेंस पर होगी। धोनी का परफॉर्मेंस ही उन्हें वर्ल्ड कप का टिकट दिला सकता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।